प्रेज द लॉर्ड, जय यीशु। सबको स्वागत करता हूँ और एक बार आज के इस प्रार्थना सभा में। मेरे प्यारे भाई, मेरी बहन, प्रभु आप सभी को आशीष दे और उसका अनुग्रह आप सबों पर हमेशा हमेशा बना रहे। आइए हम इस समय प्रभु की आराधना करें। ये सुंदर पल जो प्रभु हमें देते हैं, ये सुंदर क्षण, सुंदर समय जो हमारी जिंदगी में प्रभु हमें देते हैं, हमें इनका सदुपयोग करना चाहिए और हमें इन क्षणों में प्रभु की आराधना पूरे हृदय से करनी चाहिए। वास्तव में जब हम पूरे हृदय से प्रभु की आराधना करते हैं, पूरे हृदय से प्रभु के साथ जुड़ जाते हैं, उस समय क्या होता है, हम प्रभु के साथ एक होते हैं। आप देखेंगे यीशु मसीह एकांत स्थानों में जाकर पिता से प्रार्थना करते थे। क्यों उनको एकांत स्थान में जाने की जरूरत पड़ी? क्योंकि एकांत में, एकांत क्या होता है, जहां एक का भी अंत हो जाए। तो प्रभु निर्जन स्थान ढूंढते थे या एकांत स्थान ढूंढते थे, चले जाते थे, प्रार्थना किया करते थे, ताकि वे पिता के साथ एक होएं। और यही प्रार्थना प्रभु यीशु की थी। जब आप पढ़ेंगे यूहन के सुसमाचार उसके अध्याय 17 में, वहां पर प्रभु यीशु एक सुंदर प्रार्थना करते हैं और उस प्रार्थना में वे बार बार आपको ये कहते हुए मिलेंगे कि पिता हम एक हैं, ये भी एक हो जाएं। तो प्रभु एकता के लिए प्रार्थना करते हैं। जब हम प्रार्थना करते हैं, हमें पिता से जुड़ने की आवश्यकता है, एक रिश्ता कायम करने की आवश्यकता है। हम अपने आप को भी भूल जाएं, एक ऐसी स्थिति में जाने की आवश्यकता है। हम अपनी अपनी सुधबुद्ध ना हमें रहे, हमारी इच्छाओं का, हमारी वासनाओं का, हमारी अभिलाषाओं का, हमारी सोच का, हमारे विचारों का जहां अंत हो जाता है, वहां परमेश्वर की उपस्थिति हमारे जीवन में काम करना शुरू कर देती है। तो यीशु ने कहा कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। वास्तव में ये प्रार्थना की तीन परत हैं, पहलू हैं, तीन उसकी लेयर हैं, जहां पर एक विश्वासी जब शुरू शुरू में प्रार्थना करना शुरू करता है तो वो मांगता है। उसको बस इतना ही आता है कि मांगना है। जब वो थोड़ा लेवल उसका बढ़ता है, कृपा में थोड़ा बढ़ता है, तब उसको पता चलता है कि ढूंढना है, प्रभु के बारे में खोजना है, प्रभु की आत्मा को खोजना है, प्रभु की बातों को खोजना है। और एक समय ऐसा आता है जब वो ढूंढते 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 उस स्थान पर पहुंच जाता है प्रार्थना में, जहां पर वो खटखटाने लगता है। तब उसकी आत्मा तड़प उठती है प्रभु से मिलने के लिए। तब उससे रहा नहीं जाता है, वो खटखटाता है, प्रभु दर्शन, प्रभु दर्शन। और वहां पर प्रार्थना एक जबरदस्त प्रार्थना होती है, एक तपस्या की प्रार्थना होती है, एक प्यास होती है, एक भूख होती है। जैसे कि मैंने कल भी आपसे कहा था कि जब दाऊद प्रार्थना करते थे, उनकी प्रार्थना में बार बार कहते थे, मेरी आत्मा जीवंत ईश्वर की प्यासी है, प्यासी है, प्यासी है। क्यों? क्योंकि वे प्रार्थना की उस स्थिति में थे, प्रार्थना के उस स्टेज पर पहुंच गए थे जहां पर बस उन्हें और कुछ नहीं चाहिए था, प्रभु चाहिए। तो हमारी प्रार्थनाओं का लेवल धीरे धीरे उठना चाहिए और हमें प्रभु की ओर बढ़ना चाहिए। हमें प्रभु को धन्यवाद देना चाहिए कि प्रभु हमें रोज सुंदर मौका देते हैं ये प्रार्थना में बढ़ने के लिए, वचन सुनने के लिए, अपनी कृपाओं के लेवल को बढ़ाने के लिए। वास्तव में प्रभु रोज हमें कृपा देते हैं। जरूरत इसकी है कि हम उसको कितना इस्तेमाल करके कैसे बढ़ते हैं। आइए प्रार्थना करें और प्रभु से कहें, प्रभु हमारे अंदर निरंतर तेरा अभिषेक, तेरा सामर्थ्य, तेरी आशीष और तेरी कृपा बढ़ती रहे। आंखें बंद रखें, प्रार्थना करें। धन्यवाद पिता, तेरी आराधना, तेरी महिमा, तेरी स्तुति करते हैं। आज के सुंदर दिन के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। तू महान है, सर्वशक्तिमान, दयालु पिता है, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु है। इस सुंदर शाम के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं और आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु। आज इस प्रार्थना में हमें
तेरी पवित्र उपस्थिति से भर देना, हमें तेरा दर्शन मिले, हम तेरी कृपाओं को अनुभव कर पाएं, हम तेरी उपस्थिति को इस प्रार्थना में अनुभव कर पाएं और हम आत्मा में एक होकर जुड़कर प्रार्थना कर पाएं। धन्यवाद यीशु, तेरी आराधना, तेरी महिमा, तेरी स्तुति, तेरी तारीफ करते हैं। महान है, सर्वशक्तिमान। आइए हम मिलकर प्रभु की स्तुति करते जाएं, अपने अपने शब्दों में तारीफ करें परमेश्वर की। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, हालेलुया। प्रार्थना करें, तारीफ करेंगे परमेश्वर की। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। स्तुति करते जाएं, तारीफ करें परमेश्वर की, अपने शब्दों में प्रभु की स्तुति करते जाना इस समय। Oh,
Yeah.
हालेलुया 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 आ साथ करे मेरा
हालेलुया हालेलुया हालेलुया। स्पर्श कीजिए प्रभु यीशु, दया कीजिए, रहम कीजिए, क्षमा कीजिए। हालेलुया 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 हालेलुया। हम तेरी आराधना करते, तेरी महिमा गाते, तेरी जय जयकार करते हैं। संध्या की इस बेला में प्रभु हम अपने परिवारों को तेरे हाथों में सौंपते हैं। हम तेरी हुजूरी में आए हैं, हम पर दया कीजिए और हमारा धन्यवाद स्वीकार कीजिए। हे प्रभु, तेरी महती दया हमारे परिवारों में, हमारे बच्चों के जीवन में होने पाए। तेरी इस कलीसिया को जो इस वक्त तेरी वेदी के सामने है और जो ऑनलाइन प्रार्थना के माध्यम से आपकी स्तुति कर रही है, तेरा धन्यवाद करते हैं। आज की इस पवित्र संध्या के समय तू अपने इन बेटे बेटियों को जो निराश हैं, टूटे हैं, मन से उदास हैं, प्रभु इन्हें ढारस बंधाइए, सांत्वना दीजिए। जो बीमार हैं उनके दुखों को हल्का कीजिए। प्यारे भाई प्यारी बहन, ये सुंदर समय अनुग्रह का समय है। आशीषें इस वेदी से आपके घरों की ओर बह रही हैं। अपना मन अपनी आत्मा प्रभु की ओर उठाए और आनंदित हो जाए। हे प्रभु यीशु, हम तेरी आराधना करते हैं, हम विश्वास करते हैं तू इस परम प्रसाद में रोटी के रूप में हमारे बीच में हाजिर है। तेरी आंखें सब कुछ देखती हैं। दया कीजिए, दया कीजिए, दया कीजिए, दया कीजिए। प्यारे भाई प्यारी बहन, ये अनुग्रह का समय है, ये आपके अभिषेक का समय है, आपकी चंगाई का समय है, प्रभु से वरदान प्राप्त करने का समय है, प्रभु को धन्यवाद देने का समय है। उसकी महती दया आपके परिवार में इस वक्त छा जाए। प्रभु का सानिध्य आपके घर में छाया हुआ है। जिस जिस घर में उसके नाम पर लोग एकत्र हैं, वो आपके घर में हाजिर हैं। वो आपको ब्लेस करना चाहता है, आशीष देना चाहता है, वो आपका प्रायश्चित का चढ़ावा कबूल करता है। इसलिए धन्यवाद देते जाना। ये संध्या का समय हो सकता है आज पूरे दिन भर में आपको कई कष्टों का सामना करना पड़ा हो, हो सकता आप कई परेशानियों से गुजरे हों, हो सकता है कि आपको निराशा हाथ लगी हो, पर विश्वास करना कि उन परिस्थितियों में प्रभु हमारे साथ रहता है। वो हमें अकेला नहीं छोड़ता है। उसके स्वर्गदूत हमारे घरों पर डेरा डालते हैं और हमारी अगुवाई करते हैं। उसका स्वर्गदूत हमें संरक्षण देता है। मेरे साथ एक मन होकर प्रार्थना करना, एक आत्मा होकर प्रार्थना करना, एक चित्त होकर प्रार्थना करना, संपूर्ण हृदय से समर्पित हो जाना। आज की रात्रि प्रभु आपको प्यारे भाइयों और बहनों चंगाई प्रदान करेगा, आपके दुखों को हल्का करेगा, वह आपको संरक्षण देगा, अपने वादों को वो पूरा करेगा, क्योंकि वो वादों का सच्चा है। इसलिए जो लोग उस पर विश्वास करने में असमर्थ हैं, मेरी आपसे गुजारिश है कि परख लें कि प्रभु कितना भला है। वो आपको खुला निमंत्रण देता है कि मुझे परख कर देख लो। प्यारे भाई प्यारी बहन, हमारे निवेदन और प्रार्थनाएं प्रभु को समर्पित होते जाएं। और इस वक्त हम प्रभु की स्तुति करेंगे। हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद। परम प्रसाद में उपस्थित, परम प्रसाद में उपस्थित, हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मैं आपकी आराधना करता हूँ, मैं आपकी आराधना करता हूँ, आपकी महिमा गाता हूँ, आपकी महिमा गाता हूँ, आपकी जय जयकार करता हूँ, आपकी जय जयकार करता, मैं विश्वास करता हूँ, मैं विश्वास करता हूँ, आप इस पवित्र संस्कार में, आप इस पवित्र संस्कार में हमारे बीच में मौजूद हैं, हमारे बीच में
मौजूद हैं। हालेलुया 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 हालेलुया। हे प्रभु यीशु, आपका वादा है, आपका वादा है, मांगो और तुम्हें दिया जाएगा, मांगो और तुम्हें दिया जाएगा, खटखटाओ और तुम्हारे लिए खोला जाएगा, खटखटाओ और तुम्हारे लिए खोला जाएगा, ढूंढो और तुम पाओगे, ढूंढो और तुम पाओगे। हालेलुया हालेलुया। हे प्रभु यीशु, मैं अपने परिवार के साथ आपकी आराधना करता हूँ, आपकी आराधना करता हूँ, पाए हुए वरदानों के लिए धन्यवाद देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। आप राजाओं के राजा हैं, आप राजाओं के राजा हैं, आप प्रभुओं के प्रभु हैं, आप प्रभुओं के प्रभु हैं। हालेलुया हालेलुया। मैं अंगीकार करता हूँ, मैं अंगीकार करता हूँ, हालेलुया हालेलुया, कि आप मुझे हर खतरों से, हर खतरों से, बुराई से, बुराई से बचाते हैं, बचाते। मैं आपकी आराधना करता हूँ, मैं आपकी आराधना करता हूँ। आप सहनशील हैं, आप सहनशील हैं, आप क्षमा करने वाले प्रभु हैं, आप क्षमा करने वाले, आप दयालु प्रभु हैं, आप दयालु प्रभु। मैं विश्वास करता हूँ, मैं विश्वास करता हूँ। हालेलुया 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 हालेलुया। प्यारे भाइयों और बहनों, बाइबल हमें बताती है रोमियों का पत्र अध्याय 3 पद संख्या 25 कि ईश्वर ने चाहा कि ईसा अपना रक्त बहाकर प्रायश्चित करे। ईश्वर ने चाहा कि ईसा अपना रक्त बहाकर प्रायश्चित करे। वो चाहता तो किसी और चीज से भी प्रायश्चित कर सकता था, लेकिन बाइबल हमें बताती है कि रक्त बलि जो यहूदियों की प्रथा में शामिल थी, जिसके द्वारा यह विश्वास किया जाता था कि रक्त बहाने के अलावा पापों के प्रायश्चित के लिए और कोई दूसरी चीज नहीं थी, इसलिए ईश्वर ने चाहा कि ईसा रक्त बहाए, क्योंकि उसके रक्त में जीवन था, उसके रक्त में जीवन है, और जिसके रक्त में जीवन है वही दूसरों को जीवन दे सकता है। इसलिए बाइबल हमें बताती है सांडों, मेढ़ों और बकरों का रक्त पापों को नहीं हर सकता है। इसलिए परमेश्वर ने मनुष्य का रूप धारण करके वो रक्त अपनी प्रजा के पापों के प्रायश्चित के लिए बहाया, और हम इसमें विश्वास करें और हम मुक्ति प्राप्त करें, और इसी विश्वास के द्वारा हम मुक्ति का फल प्राप्त करें। यह ईश्वर की योजना थी, यह ईश्वर की इच्छा थी, और ईश्वर ने इस प्रकार अपनी न्यायप्रियता का प्रमाण दिया, क्योंकि उसने अपनी ही सहनशीलता के अनुरूप पिछले युगों के पापों को अनदेखा कर दिया और दुनिया को आजाद कर दिया, आपको आजाद कर दिया, मुझे आजाद कर दिया, जिससे कि हम उसकी हजूरी में रहें, हम उसकी अगुवाई में जीवन बिताएं, हम उसकी उपस्थिति में रह सकें, हम उसके और ज्यादा नजदीक आ सकें, हम पवित्रताई में आगे बढ़ सकें। इसलिए आज हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं, प्रभु के इतने बड़े प्रेम के बलिदान के लिए, रक्त के बलिदान के लिए, आत्मत्याग के लिए, मेरे और आपके लिए सलीब उठाने के लिए। प्यारे भाइयों और बहनों, वो तनिक भी नहीं हिचका, वो कलवरी के रास्ते पर चढ़ता गया, चलता गया, 3 बार क्रूस के नीचे गिर गया, वो हमारे पापों के बोझ के तले दबा हुआ था, लोग उसे मारते घसीटते थे। प्यारे भाइयों और बहनों, वो प्रभु आज जिंदा परमेश्वर है, पिता के दाहिने विराजमान है, हम उसकी आराधना करते हैं, हम उसकी महिमा गाते हैं, हम उसकी स्तुति करते हैं। यह सुंदर समय है, द अनॉइंटिंग इज फ्लोइंग राइट नाउ फ्रॉम द ऑल्टर। परमेश्वर का अनुग्रह इस वक्त इस वेदी से आपके घरों की ओर बह रहा है। जिसे ज्ञान की कमी है तो वो ज्ञान के वरदान के लिए प्रार्थना करे। प्यारे भाई प्यारी बहन, जो कष्ट में है तो प्रभु से क्षमा की याचना करें, जो सुखी है तो वो आनंद मनाए, जो प्रसन्न चित्त है वो प्रभु का धन्यवाद दे, जिसको परमेश्वर ने अपने जीवन में सब कुछ दिया, पैसा, धन संपत्ति, बाल बच्चे, अच्छी संतानें, तो परमेश्वर की महिमा करें, उसका गुणगान करें।
याजक प्रभु की स्तुति करें, धर्म संगी, धर्म भाई, धर्म बहने प्रभु की स्तुति करें, क्योंकि प्रभु ने हम लोगों को इसीलिए बुलाया, इसीलिए चुना है। हम पवित्र करने के लिए, पवित्रता के लिए बुलाए गए हैं। इसलिए प्यारे भाई, प्यारी बहन, इस वक्त हम प्रभु की स्तुति करेंगे हर एक बात के लिए, हर एक कष्ट के लिए, हर एक दुख के लिए, हर चीज के लिए, हर एक वरदान के लिए प्रभु की हम स्तुति करें। हे प्रभु हम पर दया कर, हे प्रभु हम पर दया कर, हे क्रिस्त हम पर दया कर, हे क्रिस्त हम पर दया कर, हे प्रभु हम पर दया कर, हे प्रभु हम पर दया कर, हे क्रिस्त हमारी विनती सुन, हे क्रिस्त हमारी विनती पूरी कर, हे पिता परमेश्वर हम पर दया कर, पुत्र परमेश्वर दुनिया के मुक्ति दाता हम पर दया कर, पवित्र आत्मा ईश्वर हम पर दया कर, पवित्र त्रित्व एक ही ईश्वर हम पर दया कर, सब प्रकार की विपत्तियों के लिए हे प्रभु तेरी स्तुति हो, हे प्रभु तेरी स्तुति हो, सारी कमजोरियों के लिए हे प्रभु तेरी स्तुति हो, सारे कष्टों के लिए हे प्रभु तेरी स्तुति हो, सभी दुखों के लिए हे प्रभु तेरी स्तुति हो, सारे रोगों के लिए हे प्रभु तेरी स्तुति हो, सभी असफलताओं के लिए हे प्रभु तेरी स्तुति हो, सभी अपमानों के लिए हे प्रभु तेरी स्तुति हो, सभी आर्थिक नुकसानों के लिए हे प्रभु तेरी स्तुति हो, परिवार के सदस्यों की कमजोरियों के लिए प्रभु तेरी स्तुति हो, बुराई को भलाई में परिवर्तित करने के लिए प्रभु तेरी स्तुति हो, मृत्यु से पुनरुत्थान देने के लिए प्रभु तेरी स्तुति हो, पवित्र वचन द्वारा हमसे बोलने के लिए प्रभु तेरी स्तुति हो, पवित्र आत्मा के वरदानों के लिए प्रभु तेरी स्तुति हो, पवित्र वचन द्वारा हमारा मार्गदर्शन करने के लिए प्रभु तेरी स्तुति हो, हमें ईश्वर की संतान बनाने के लिए प्रभु तेरी स्तुति हो, पवित्र आत्मा से हमें संचालित करने के लिए प्रभु तेरी स्तुति हो, सभी सफलताओं के लिए प्रभु तेरी स्तुति हो, हमारे पाप क्षमा करने के लिए प्रभु तेरी स्तुति हो, हमें चंगाई देने के लिए प्रभु तेरी स्तुति हो, सबका सहयोग दिलाने के लिए प्रभु तेरी स्तुति हो, सभी लोगों के बीच सम्मानित करने के लिए प्रभु तेरी स्तुति हो, हमें पवित्रता में बढ़ाने के लिए प्रभु तेरी स्तुति हो, अंधकार से ज्योति में लाने के लिए प्रभु तेरी स्तुति हो, हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है हे प्रभु हमें क्षमा कर, हे परमेश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है हे प्रभु हमारी विनती पूरी कर, हे परमेश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है हम पर दया कर, प्रभु की उपस्थिति का हम अनुभव करें, पवित्र आत्मा को हम पर अधिकार लेने दें, वो हमें क्षमा करता है, जीवन देता है, दिशा दिखाता है, हमारे होठों पर अपने वचनों को रखता है, बोलने का सामर्थ्य देता है, विश्वास का वरदान हमें देता है, पवित्रता में चलने की कृपा हमें देता है। इसलिए इस वक्त हम पवित्र आत्मा की अगुवाई मांगे कि प्रभु हमें पवित्र आत्मा से संचालित करे। बाइबल हमें बताती है कि बिना पवित्र आत्मा की सहायता से कोई भी ये नहीं कह सकता कि यीशु ही प्रभु हैं। इसलिए पवित्र आत्मा का सामर्थ्य हमारे जीवन में, परिवार में, सेवकाई में जरूरी है। आइए हम पवित्र आत्मा की अगुवाई मांगें। वंदरा आप रूप दा वंदरा
मुझे चलना सिखा।
प्रभु की उपस्थिति का अनुभव करें। यह सुंदर समय है, पवित्र आत्मा हम पर छाया हुआ है, वो हमारी अस्पष्ट आहों के द्वारा प्रार्थना करता है। हम नहीं जानते कि हमें किस तरह से प्रार्थना करनी चाहिए, परंतु प्रभु हमें सांत्वना देता है। पिता ईश्वर पवित्र आत्मा के आवाज को पहचानता है, इसलिए हम संरक्षण के लिए प्रार्थना करेंगे। भजन संहिता 91, जिसके पास बाइबल है वो खोल ले। साम नंबर 91। तुम जो सर्वोच्च के आश्रय में रहते, तुम जो सर्वोच्च के आश्रय में रहते और सर्वशक्तिमान की छत्र छाया में सुरक्षित हो, और सर्वशक्तिमान की छत्र छाया में सुरक्षित हो, तुम प्रभु से यह कहो, तुम प्रभु से यह कहो, तू ही मेरी शरण है मेरा गढ़, तू ही मेरी शरण है मेरा गढ़, मेरे ईश्वर तुझ पर ही भरोसा रखता हूँ, मेरे ईश्वर तुझ पर ही भरोसा रखता हूँ। वह तुम्हें बहेलिए के फंदे से, वह तुम्हें बहेलिए के फंदे से, घातक महामारी से छुड़ाता है, घातक महामारी से छुड़ाता है, वह अपने पंख फैलाकर तुमको ढक लेता है, वह अपने पंख फैलाकर तुमको ढक लेता है, तुम्हें उसके पैरों के नीचे शरण स्थान मिलता है, तुम्हें उसके पैरों के नीचे शरण स्थान मिलता है, उसकी सत्य प्रतिज्ञता तुम्हारी ढाल और तुम्हारा कवच है, उसकी सत्य प्रतिज्ञता तुम्हारा ढाल और तुम्हारा कवच है, तुम्हें ना तो रात्रि के आतंक से भय होगा, तुम्हें ना तो रात्रि के आतंक से भय होगा, और ना दिन में चलने वाले बाण से, और ना दिन में चलने वाले बाण से, ना अंधकार में फैलने वाली महामारी से, ना अंधकार में फैलने वाली महामारी से, और ना दोपहर को चलने वाली घातक लू से, और ना दोपहर को चलने वाली घातक लू से, तुम्हारी बगल में भले ही हजारों, तुम्हारी बगल में भले ही हजारों, और तुम्हारी दाहिनी ओर लाखों ढेर हो जाएं, और तुम्हारी दाहिनी ओर लाखों ढेर हो जाएं, किंतु तुमको कुछ नहीं होगा, किंतु तुमको कुछ नहीं होगा, तुम अपनी आँखों से देखोगे, तुम अपनी आँखों से देखोगे कि किस प्रकार विधर्मियों को दंड दिया जाता है, कि किस प्रकार विधर्मियों को दंड दिया जाता है, क्योंकि प्रभु तुम्हारा आश्रय है, क्योंकि प्रभु तुम्हारा आश्रय है, तुमने सर्वोच्च ईश्वर को अपना शरण स्थान बनाया है, तुमने सर्वोच्च ईश्वर को अपना शरण स्थान बनाया है, तुम्हारा कोई अनिष्ट नहीं होगा, तुम्हारा कोई अनिष्ट नहीं होगा, महामारी तुम्हारे घर के निकट नहीं आएगी, महामारी तुम्हारे घर के निकट नहीं आएगी, क्योंकि वह अपने दूतों को आदेश देगा, क्योंकि वह अपने दूतों को आदेश देगा कि तुम जहाँ कहीं भी जाओगे, कि तुम जहाँ कहीं भी जाओगे वे तुम्हारी रक्षा करें, वे तुम्हारी रक्षा करें, वे तुम्हें अपने हाथों पर उठा लेंगे, वे तुम्हें अपने हाथों पर उठा लेंगे कि कहीं तुम्हारे पैरों को पत्थर से चोट ना लगे, कि कहीं तुम्हारे पैरों को पत्थर से चोट ना लगे, तुम सिंह और सांप को कुचलोगे, तुम सिंह और सांप को कुचलोगे, तुम बाघ और अजगर को पैरों तले रौंदोगे, तुम बाघ और अजगर को पैरों तले रौंदोगे, वह मेरा भक्त है, वह मेरा भक्त है, इसलिए मैं उसका उद्धार करूंगा, इसलिए मैं उसका उद्धार करूंगा, वह मेरा नाम जानता है, वह मेरा नाम जानता है, इसलिए मैं उसकी रक्षा करूंगा, इसलिए मैं उसकी रक्षा करूंगा, यदि वह मेरी दुहाई देगा, यदि वह मेरी दुहाई देगा तो मैं उसकी सुनूंगा, तो मैं उसकी सुनूंगा, मैं संकट में उसका साथ दूंगा, मैं संकट में उसका साथ दूंगा, मैं उसका उद्धार कर, मैं उसका उद्धार कर उसे महिमान्वित करूंगा,
करूंगा, उसे महिमान्वित करूंगा, मैं उसे दीर्घ आयु प्रदान करूंगा, मैं उसे दीर्घ आयु प्रदान करूंगा और उसे अपने मुक्ति विधान के दर्शन कराऊंगा, और उसे अपने मुक्ति विधान के दर्शन कराऊंगा। हालेलुया 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 हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है, प्रभु का वचन कहता है, तुम्हारा जी ना घबराए, तुम्हारा जी ना घबराए, ईश्वर में विश्वास करो, ईश्वर में विश्वास और मुझ में भी विश्वास करो, और मुझ में भी विश्वास करो। हालेलुया 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 हालेलुया। ईसा ने उत्तर दिया, ईसा ने उत्तर दिया, यदि तुम पूर्ण होना चाहते हो, यदि तुम पूर्ण होना चाहते हो, तो जाओ अपनी सारी संपत्ति बेचकर, अपनी सारी संपत्ति बेचकर गरीबों को दे दो, गरीबों को दे दो, और स्वर्ग में, और स्वर्ग में तुम्हारे लिए पूंजी रखी रहेगी, तुम्हारे लिए पूंजी रखी रहेगी, तब आकर मेरा अनुसरण करो, तब आकर मेरा अनुसरण करो। यहोशुआ ने लोगों से कहा, यहोशुआ ने लोगों से कहा, अपने को पवित्र बनाए रखो, अपने को पवित्र बनाए रखो, और कल प्रभु तुम्हारी आंखों के सामने, और कल प्रभु तुम्हारी आंखों के सामने चमत्कार करेगा, चमत्कार करेगा। हालेलुया 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 हालेलुया। मत्ती का सुसमाचार अध्याय 17 पद संख्या 1-8 तक। 6 दिन बाद ईसा ने पेत्रुस, याकूब और उसके भाई योहन को अपने साथ ले लिया और वह उन्हें एक ऊंचे पहाड़ पर एकांत में ले चले। उनके सामने ही ईसा का रूपांतरण हो गया। उनका मुखमंडल सूर्य की तरह दमक उठा और उनके वस्त्र प्रकाश के समान उज्जवल हो गए। शिष्यों को मूसा और एलियस उनके साथ बातचीत करते दिखाई दिए। तब पेत्रुस ने ईसा से कहा, प्रभु यहां होना हमारे लिए कितना अच्छा है, आप चाहें तो मैं यहां 3 तंबू खड़ा कर दूंगा, एक आपके लिए, एक मूसा और एक एलियस के लिए। वह बोल ही रहा था कि उन पर एक चमकीला बादल छा गया और उस बादल में से यह वाणी सुनाई पड़ी, यह मेरा प्रिय पुत्र है, मैं इस पर अत्यंत प्रसन्न हूं, इसकी सुनो। यह वाणी सुनकर वे मुंह के बल गिर पड़े और बहुत ही डर गए। तब ईसा ने पास आकर उनका स्पर्श किया और कहा, उठो डरो मत। उन्होंने आंखें ऊपर उठाई तो उन्हें ईसा के सिवा और कोई दिखाई नहीं पड़ा। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, यीशु का रूपांतरण भावी महिमा का पूर्वावलोकन है, जिसमें वे अपनी पहचान को शिष्यों को प्रकट करते हैं। यीशु जानते थे कि उन्हें अनेक प्रकार की यंत्रणाएं दी जाएंगी। यीशु को मालूम था कि उन्हें जल्लादों के हवाले होना पड़ेगा, जल्लाद उन पर कोड़े बरसाएंगे, चेले डर के मारे भाग जाएंगे, विचलित हो जाएंगे। प्यारे भाइयों और बहनों, चेलों को ढारस बंधाने के लिए स्वर्ग राज्य में जो महिमा प्रकट होने वाली है उसको प्रदर्शित करने के लिए यीशु अपने आप को रूपांतरित करते और चेलों के सामने उस भावी महिमा का दृश्य रखते हैं। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु का रूपांतरण आध्यात्मिक जीवन के रूपांतरण की ओर संकेत करता है। जब हम प्रभु की हजूरी में बैठते हैं, जब हम उसके साथ आते हैं, जब हम उसके पवित्र भवन में एकत्र हो जाते हैं,
जब हम उसके सानिध्य में बैठते हैं तो मुझे और आपको भी रूपांतरित होने की आवश्यकता है, हमारी स्पिरिचुअल लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन होने की आवश्यकता है। जब आप किसी साधना में जाते हैं, जब आप किसी पवित्र आराधना में भाग लेते हैं, जब आप चंगाई प्रार्थना का हिस्सा बनते हैं, जब आप प्रेज एंड वर्शिप का हिस्सा बन जाते हैं, तो उस वक्त ये महिमा आपके परिवार में, शरीरों में और आत्माओं में प्रकट होनी चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मेरे विचारों को, मेरे मन को, मेरी आत्मा को रूपांतरित कीजिए। हालेलुया। तो हम जानते हैं कि इन सारी बातों से होकर गुजरने के लिए प्रभु यीशु अपने आप को पिता के नजदीक रखते थे। हम सुसमाचारों में सुनते हैं कि प्रभु यीशु ने जो महत्वपूर्ण कार्य थे वो पर्वतों के ऊपर किए हैं। कलवरी के ऊपर उन्होंने दुख सहन किया, क्रूस पर चढ़ाए गए, पर्वत पर बैठकर उन्होंने प्रवचन दिया। 40 रात और 40 दिन उन्होंने एक पहाड़ी के ऊपर जाकर उपवास और प्रार्थना में बिताए हैं। अगर उनकी सेवकाई में हम देखें तो ईसा आदत के अनुसार कहां जाते थे, एकांत में पहाड़ी पर चला जाया करते थे। और सुसमाचारों में हम देखते हैं कि ईसा अधिकांशतः पहाड़ों पर रहते हैं, पहाड़ी पर रहते हैं। क्या करने के लिए? प्रार्थना करने के लिए, एकांत में रहने के लिए। पहाड़ी पर होना इस बात की ओर संकेत करता है, क्योंकि पहाड़ ऊंची जगह पर है तो हम पिता के नजदीक रहते हैं, ईश्वर के नजदीक रहते हैं। एक इंसान जब वो पहाड़ पर चढ़ता, ऊंचाई पर जाता है, तो उसे इस बात का अनुभव होता है कि वो आसमान के नजदीक है, वो ईश्वर के नजदीक है। आध्यात्मिक जीवन में जब हम बढ़ने लगते हैं तो हमें भी यही आभास होता है। इसलिए स्तोत्रकार प्यारे भाइयों और बहनों, वचन में हमें बताता है कि मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर उठाता हूं, मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर उठाता हूं, क्योंकि मेरी सहायता उन पर्वतों से आती है, क्योंकि उन पर्वतों पर जो ऊंचे शिखरों पर हैं और उसके ऊपर परमेश्वर विराजमान है, वो मुझे सहायता देता है। इसलिए प्रभु यीशु आदत के अनुसार पहाड़ी पर एकांत में प्रार्थना करने के लिए जाते थे। तो एक सुंदर गीत है प्यारे भाइयों और बहनों, मैं आपके साथ इस गीत को गाना चाहता हूं प्रभु की महिमा के लिए, और प्रभु उसमें हमें आशीष और बरकत प्रदान करे। मैं आंखें अपनी पर्वत की ओर उठाता हूं, मैं आंखें अपनी पर्वत की ओर उठाता हूं, मुझको है पता सहायता वहीं से आती है, मुझको है पता सहायता वहीं से आती है। मैं आंखें अपनी पर्वत की ओर उठाता हूँ, मैं आंखें अपनी पर्वत की ओर उठाता हूँ। जी हाँ प्यारे भाइयों और बहनों, जब आप एकांत में रहते हैं तो हम प्रभु की वाणी को सुनते हैं। जहां एक का भी अंत है उसे एकांत कहते हैं, और उस एकांत में ईश्वर का निवास है जो सब जगह निवास करता है।
इसलिए प्रभु ये कहता है कि तुम मेरी वाणी को सुनो और तुम अपने आप को बदल डालो, तुम अपना आचरण सुधार लो और मैं तुम पर दया करूंगा। जब ईश्वर के ये वचनों को हम सुनते हैं, योहन के पहले पत्र अध्याय 4 पद संख्या 4 में हम पढ़ते हैं कि बच्चों तुम ईश्वर के हो और ईश्वर की संतान पाप नहीं करते हैं। प्रभु की वाणी आकाश से सुनाई पड़ी, ये मेरा प्रिय पुत्र है और तुम इसकी सुनो। जब हम इन बातों को ग्रहण करते हैं, सुनते हैं, तो ये हमें ढारस देती हैं, विश्वास पैदा करती है हमारे जीवन में। ये हमें उस प्रेम का अनुभव कराती हैं जो यीशु के जीवन में पिता ईश्वर ने उनको वो प्रेम का अनुभव दिया जब वो उस पहाड़ी पर जाते और पिता से कनेक्ट हो जाते थे। तो माउंटेन एक्सपीरियंस जो है ये हर एक विश्वासी के जीवन में होना चाहिए। अब आप कहेंगे फादर हम इस वक्त पहाड़ों पर कहाँ जाएं? आप जिस घर में बैठे हैं, जिस वेदी के सामने आप प्रार्थना कर रहे हैं, प्यारे भाइयों और बहनों, आपके लिए और मेरे लिए वही वो पर्वत है जहां से हमें सहायता आती है। ये वेदी वो पर्वत है, ये वेदी प्यारे भाइयों और बहनों वो जगह है जहां से परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह हमें अपना रूपांतरित शरीर और महिमा में शरीर का दर्शन कराता है। और यदि कोई विश्वास में पक्का है, पवित्रताई में है, तो इस महिमा को देखेगा। और जब आप उस महिमा को देख लेंगे, अनुभव कर लेंगे, तो आप रूपांतरित हो जाएंगे। यू विल बी ट्रांसफॉर्म्ड। हमारा मन परिवर्तन हमें रूपांतरण की ओर ले जाता है। हमारा मन परिवर्तन रूपांतरण की ओर ले जाता है। ट्रांसफॉर्मेशन लीड्स टू ट्रांसफिगरेशन माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। मन परिवर्तन, हृदय परिवर्तन, मेटनोइया जिसे हम कहते हैं चेंज ऑफ हार्ट, ये हमें आध्यात्मिक बदलाव की ओर ले जाता है। तो मैंने आपके आपसे जिक्र किया कि प्रभु यीशु का पर्वतों से अच्छा खासा नाता था। पुरानी व्यवस्था में भी हम पढ़ते हैं प्यारे भाइयों और बहनों कि परमेश्वर ने एक चट्टान से लोगों को पानी निकाला और पिलाया। पुरानी व्यवस्था में हम पढ़ते हैं कि एलिया पर्वतों के ऊपर चला गया, वहां पर उसने जाकर अपने आप को पर्वतों की एक पहाड़ी की दरार में छिपा लिया। वो उसके छुपने की जगह थी। स्त्रोतकार कहता है कि मेरी छिपने की जगह तू है, मैं कहां जाऊं? पाताल में जाता हूं तू वहां है, पर्वतों पर जाता हूं तो तू वहां है, यदि मैं समुद्र में छिप जाऊं तो तू वहां है, बादलों में चढ़ जाऊं तो तू वहां है, तू सब जगह है, मैं कहां जाकर अपने आप को छिपाऊं? तो यीशु के जीवन में जो महत्वपूर्ण घटनाएं थी प्यारे भाइयों और बहनों, वो गतसमनी बाग में पहाड़ी के ऊपर हुई। यीशु का रूपांतरण पहाड़ी के ऊपर हुआ। यीशु ने 40 रात और 40 दिन उपवास किया, वो पहाड़ी पर किए। क्रूस की यात्रा एवं जो बलिदान थी कलवरी के पहाड़ पर हुई और अपने चेलों को जो महिमा दिखाई वो उन्होंने पर्वत के ऊपर दिखाई। तो मैंने आपसे कहा कि यीशु ने अपनी आने वाली जो महिमा थी उसको रूपांतरण के जरिए चेलों के बीच में प्रकट किया। क्या मैं और आप इस रूपांतरण को कभी अपने जीवन में अनुभव करते हैं या नहीं? क्या हम परमेश्वर के नजदीक आने का प्रयास करते हैं या नहीं? क्या हमें लगता है कि जब हम पवित्र भवन में बैठते हैं तो ये हमारे लिए वो जगह है, वो पवित्र जगह है जहां से हमें सामर्थ्य मिलता है, जो हमारी आत्माओं को उत्साहित करता है, जो हमारी आवश्यकताओं में हमारी सहायता करता है? क्या हमें ये लगता है? ये डिवाइन एक्सपीरियंस, ये दिव्य अनुभव हर एक विश्वासी को होना चाहिए। जैसे पेत्रुस ने, याकूब और योहन ने उस डिवाइन एक्सपीरियंस को देखा, महसूस किया, जैसे उन्होंने उस दिव्य दृश्य को देखा, क्या मैं और आप ऐसे दिव्य दृश्य आराधना के दौरान देख पाते हैं या नहीं? जब संस्कारों को
अनुष्ठान किया जाता है, क्या उन संस्कारों के जरिए हम इस दिव्य प्रकाश को या दिव्य दृश्य को देख पाते हैं? नहीं, आज ये मनन चिंतन का विषय है और प्रभु हमें अपनी महिमा दिखाना चाहता है, प्रभु हमें अपनी महिमा दिखाना चाहता है। अक्सर हम प्रार्थना करते हैं प्यारे भाइयों और बहनों, लेकिन हम विश्वास नहीं करते हैं कि हमारी प्रार्थना जो है ऊपर जाती है और आशीष लेकर नीचे आती है। इसी तरह से एक बच्चा अपने हाथ में एक छोटी गेंद लेकर खेल रहा था, वो जोर जोर से उसे ऊपर उछालता और उसके बाद उसे कैच करता और अपने हाथ में रखता था। He was throwing the ball up and down, up and down, up and down. एक याजक वहां से गुजर रहा था, एक पुरोहित वहां से गुजर रहा था और उसने बालक को देखा और उससे पूछा, तुम क्या कर रहे हो? तुम ये गेंद बार बार ऊपर फेंकते हो और नीचे आती है तो उसे कैच करते हो, आखिर तुम कर क्या रहे हो? और बालक ने बहुत अच्छा जवाब दिया कि मैं ये गेंद ईश्वर की ओर फेंकता हूं, मैं ये गेंद ईश्वर की ओर फेंकता हूं और ईश्वर मेरी ओर फेंकता है, ये मैं गेंद ईश्वर की ओर फेंकता हूं और ईश्वर मेरी ओर फेंकता है। मैं जब फेंकता हूं तो प्रभु पकड़ लेता है और प्रभु जब फेंकता है तो मैं उसे पकड़ लेता हूं, कैच कर लेता हूं। हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में ऐसे तमाम उदाहरण जिनको हम अपने जीवन में अनुभव करते हैं, ऐसी तमाम बातें हमारे जीवन में घटित होती हैं और इन साधारण बातों में क्या हम इन डिवाइन एक्सपीरियंस को देख पाते हैं या नहीं? वो पुरोहित बड़ा आश्चर्यचकित हुआ जब उस बच्चे ने इस बात को बोला कि जब मैं गेंद फेंकता हूं तो प्रभु पकड़ लेता है और जब प्रभु फेंकता है तो मैं पकड़ लेता हूं। जब हम प्रार्थना करते हैं, हम अपनी प्रार्थनाओं को, स्तुति को, आराधना को, प्रायश्चित को क्या करते हैं? प्रभु की ओर उठाते हैं, प्रभु की ओर फेंकते हैं और प्रभु उसे रिसीव करता है और हमें उसके बदले आशीषें देता है। यह डिवाइन एक्सपीरियंस है। जिस दिन हम इस बात को महसूस कर लेते हैं कि मेरी एक भी प्रार्थना खाली नहीं जाती है, वो प्यारे भाइयों और बहनों मेरे और आपकी ट्रांसफॉर्मेशन का दिन हो जाता है, वो मेरे और आपके बदलने का दिन हो जाता है। जिस दिन कोई व्यक्ति बड़े आग्रह के साथ, बड़े दृढ़ निश्चय के साथ, कमिटमेंट के साथ प्रभु की ओर आता है और निर्णय करता है कि मैं बदलूंगा, मैं प्रभु के लिए अपना जीवन समर्पित करूंगा, त्याग करूंगा, तो वो उसके जीवन का वो क्षण है जब उसमें आध्यात्मिक परिवर्तन होने शुरू हो जाते हैं, वो बढ़ने लगते हैं प्यारे भाइयों और बहनों। तो रूपांतरण का ये दृश्य जो यीशु के जीवन में घटित हुआ, वो हमें प्यारे भाइयों और बहनों अपनी ओर आकर्षित करता है। तो मैंने कहा कि माउंटेन्स आर द सिंबल्स ऑफ बीइंग क्लोज टू गॉड, पर्वत परमेश्वर के नजदीक होने की ओर संकेत करते हैं। मत्ती के सुसमाचार अध्याय 4 पद संख्या 8 में हम पढ़ते हैं कि यीशु मसीह को प्रलोभन दिया गया पर्वत के ऊपर। यीशु मसीह ने अपना पर्वत प्रवचन दिया। मत्ती के सुसमाचार अध्याय 5 पद संख्या 1 में हम पढ़ते हैं, यीशु मसीह ने गलील की झील के किनारे जो पर्वत था, हम पढ़ते हैं मत्ती के 15वें अध्याय पद संख्या 29 में कि प्रभु ने वहां पर एक व्यक्ति को चंगा किया। मत्ती के अध्याय 17 पद संख्या 1 में हम पढ़ते हैं कि यीशु मसीह ने अपने आप को रूपांतरित किया और चेलों को अपनी महिमा दिखाई। मत्ती के सुसमाचार अध्याय 24 पद संख्या 3 में हम पढ़ते हैं कि यीशु मसीह ने अंतिम शिक्षा का जो डिस्कोर्स था वो पर्वत पर दिया।
मत्ती के सुसमाचार अध्याय 27 वर्ष संख्या 33 में हम पढ़ते हैं कि यीशु मसीह प्यारे भाइयों और बहनों कलवरी के ऊपर अपने प्राणों को निछावर कर देते हैं। मत्ती के सुसमाचार अध्याय 28 पद संख्या 16 में हम पढ़ते हैं कि यीशु मसीह अपने फाइनल मैंडेट को गलील के पर्वत के ऊपर देते हैं। और इतना ही नहीं, रूपांतरण के समय पर्वत के ऊपर उन्होंने मूसा और एलिया से बात की। मूसा जो व्यक्ति था जिसके द्वारा नियम इज़राइलियों को दिए गए थे, वो नियम पर्वत सिनाई पर उसे मिले। प्रभु ईश्वर मूसा से पर्वत पर मिलने आया करता था। इसलिए जब हम इस बात को सोचते हैं कि हमें एकांत में क्यों जाना है, हमें पर्वत पर क्यों चढ़ना है, हमें परमेश्वर की हजूरी में क्यों जाना है, तो जान लीजिए कि ये बातें हमें परमेश्वर के सानिध्य को अनुभव कराती हैं, ईश्वर के प्रेम को अनुभव कराती हैं। वो हमें ईश्वर के नजदीक होने का आभास कराती हैं। इफ Moses was a man of law, then Elijah was the man of Mount Carmel. और यीशु मसीह, he was the man of all the mountains. अगर मूसा नियम देने वाला व्यक्ति था, तो प्यारे भाइयों और बहनों, एलिया कार्मेल पर्वत का व्यक्ति था। और अगर ये दोनों पर्वतों के व्यक्ति थे, तो प्यारे भाइयों और बहनों, यीशु मसीह सभी पर्वतों का व्यक्ति था, क्योंकि उसके सारे काम जो थे वो प्यारे भाइयों और बहनों प्रभु ने पर्वतों पर संपन्न किए, क्योंकि वो पर्वतों पर परमेश्वर से जुड़ा रहता था, वहां से उसे सामर्थ्य मिलता था, पवित्र आत्मा से वो सामर्थ्य से वहां से भर कर आते थे, अपने आप को उत्साहित प्रोत्साहित करके रिचार्ज करके वो लौटते थे और उसके बाद वो सेवकाई किया करते थे। इन बातों को करने के लिए हमें किस चीज की आवश्यकता है? हमें पवित्र आत्मा में चलने की आवश्यकता है, पवित्र आत्मा के सामर्थ्य में रहने की आवश्यकता है। तो गलातियों के पत्र अध्याय 5 पद संख्या 16 में हम पढ़ेंगे कि आप लोग आत्मा की प्रेरणा के अनुसार चलेंगे तो शरीर की वासनाओं को तृप्त नहीं करेंगे, तब आप आत्मिक बातों में बढ़ने लगेंगे। क्योंकि जो व्यक्ति इन बातों के अनुसार जीवन व्यतीत करता है वो आत्मा की प्रेरणा से चलता, लेकिन जो सांसारिक जीवन में रहता है वो संसार की वासनाओं को तृप्त करने की कोशिश करता है। क्योंकि बाइबल हमें बताती है अगले वचन में, शरीर तो आत्मा के विरुद्ध इच्छा करता है और आत्मा शरीर के विरुद्ध, ये दोनों एक दूसरे के विरोधी हैं, इसलिए आप जो चाहते हैं नहीं कर पाते हैं। हम प्रार्थना करना चाहते हैं नहीं कर पाते हैं, क्यों? क्योंकि हमारा शरीर करने नहीं देता है। हम थकावट महसूस करते हैं, हमारे रिश्ते लोगों के साथ हैं, हम उनके साथ समय बिताना चाहते हैं, हम प्रार्थना में नहीं जाना चाहते, हम एकांत में नहीं जाना चाहते। अगर आज इंसान अपनी ही रोज की जिंदगी पर नजर डाले तो वो कभी भी अपने आप को एकांत में नहीं पाता है। वो मोबाइल के जरिए आज वर्चुअल वर्ल्ड में रहता है, दो दो घंटे, तीन तीन घंटे, चार चार घंटे, रात को 1-2 बजे 3 बजे तक फोन पे लगा रहता, बातचीत करता रहता है। तो एकांत का समय कहाँ है? परमेश्वर से जुड़ने का समय कहाँ है? परमेश्वर की हजूरी में आने का समय क्या है? हमारी आज की ये पूरी दुनिया वर्चुअल वर्ल्ड में रहती है। विज्ञान ने जितनी तरक्की की है, जितनी इसकी खूबियां हैं, उससे कई गुना ज्यादा संसार में इसके द्वारा हानियां भी हुई हैं। लोगों का जीवन आज प्यारे भाइयों और बहनों वर्चुअल वर्ल्ड बन चुका है, रिश्ता टूटता जा रहा है, हम लोगों से मिलना पसंद नहीं करते हैं, आत्मा की प्रेरणा में हम चल नहीं पाते हैं।
आत्मा की प्रेरणा में चलने का अर्थ क्या है? आत्मा की प्रेरणा में चलने का अर्थ है कि पवित्र आत्मा में जीना, पवित्र आत्मा में चलना, अपनी आंतरिक जीवन को पवित्र आत्मा को समर्पित करना, पवित्र आत्मा से दिशा निर्देश ग्रहण करना, पवित्र आत्मा से परामर्श लेना। इससे तात्पर्य यह है कि ऐसा जीवन व्यतीत करना जो पवित्र आत्मा से जुड़ा रहता है, क्योंकि पवित्र आत्मा चलाता है, पवित्र आत्मा दिशा निर्देश देता है, पवित्र आत्मा परामर्श देता है। और अगर यीशु मसीह ईश्वर से जुड़े रहे तो वो केवल इसलिए क्योंकि पवित्र आत्मा उन पर छाया रहता था, पवित्र आत्मा उन्हें सामर्थ्य देना चाहता था, इसलिए वो उन्हें प्रेरणा देता था, यीशु उठो और जाओ पिता के पास, वहां से तुम्हें सामर्थ्य मिलेगा, वहां से तुम इन सारी चीजों को सहन कर लोगे। प्यारे भाइयों और बहनों, जब गेतसेमनी बाग में यीशु प्राण पीड़ा सह रहे थे, औंधे मुंह होकर प्रार्थना कर रहे थे, वहां पर बाइबल हमें बताती, यूहन के सुसमाचार में एक स्वर्गदूत आया और उन्हें ढारस बंधाने लगा। अब बाइबल इस बात को स्पष्ट करती है कि ईश्वर अपने भक्तों के पास डेरा डालता है। यीशु मसीह आत्मा से परिपूर्ण थे, आत्मा की अगुवाई में चलते थे, आत्मा के दिशा निर्देश में चलते थे, इसलिए बाइबल कहती है बपतिस्मा के तुरंत बाद आत्मा यीशु को पहाड़ी पर ले गया और वहां पर शैतान ने उन्हें प्रलोभन दिया। तो पवित्र आत्मा यीशु के द्वारा महान चिन्ह और चमत्कार प्रकट करता था, और यीशु मसीह अंधों को आंखें देते, लंगड़ों को चलाते। प्यारे भाइयों और बहनों, पवित्र आत्मा जब बपतिस्मा के दौरान उनके ऊपर आकर उतरा, स्वर्ग राज्य से वाणी सुनाई पड़ी, ये मेरा प्रिय पुत्र है, मैं इससे अत्यंत प्रसन्न हूं, तुम इसकी सुनो। तो परमेश्वर की हजूरी में रहने के लिए पवित्र आत्मा की प्रेरणा में चलना अनिवार्य है। तो इसलिए तीन बातें जिससे पता चलता है कि हम पवित्र आत्मा से संचालित हैं, वो ये है कि एकांत में बैठना और प्रभु के साथ जुड़ जाना, मतलब प्रार्थना करना। दूसरी बात, वचन को अपने हृदय में रखना, वचन को अपने हृदय में रखना और वचन से अगुवाई प्राप्त करके आगे बढ़ना। तीसरी बात, आज्ञाकारी बनना और वचन के श्रोता ही नहीं बल्कि उसके पालनकर्ता भी बनना, और प्रभु हमें वो आशीष प्रदान करता है। रोमियो के पत्र अध्याय 8 पद संख्या 4 में संत पौलुस लिखता है कि आप पवित्र आत्मा में चलें। पद संख्या 5 में लिखता है सेट योर माइंड्स ऑन द थिंग्स ऑफ द लॉर्ड। इसका परिणाम जीवन में होगा कि आपके जीवन में सहनशीलता आएगी, शांति आएगी, प्रार्थना आएगी, और आप एक दूसरे को क्षमा करेंगे और एक दूसरे को सहन करेंगे। पद संख्या 13 में लिखा है कि अपने शरीर में आप लोग बुराई का दमन करें, और जो ऐसा करेगा उसके जीवन में पवित्र आत्मा काम करेगा। पद संख्या 14 में लिखा है कि पवित्र आत्मा की प्रेरणा से आप लोग चलें। पद संख्या 15 से 17 में लिखा है कि पिता के प्रेम को आप लोग पहचानें, कि जैसे उसने, यीशु कहता मुझे प्रेम किया है, वैसे मैं भी तुम्हें प्रेम करता हूं। ईश्वर के प्रेम को पहचानना, यीशु मसीह के प्रेम की लंबाई, चौड़ाई और गहराई को जानना और उसे अनुभव करना, ये तब हो सकता है जब हम इस पवित्र पर्वत के नजदीक आते हैं, इस वेदी के जब नजदीक आते हैं जिस पर स्वयं वो विराजमान है, इस संस्कार के रूप में, रोटी के रूप में, तब हमें ये दिव्य दृश्य दिखेंगे, तब हमें डिवाइन एक्सपीरियंस मिलेगा। इसलिए प्यारे भाइयों और बहनों, जब भी मौका मिलता है पवित्र भवन में उपस्थित होकर प्रभु के मंदिर की ओर चले जाना, प्रभु के पर्वत की ओर चले जाना, और वहां पर हम लोगों को दिव्य दर्शन होंगे और प्रभु हमें अपनी महिमा प्रकट करेगा। रोमियो के पत्र अध्याय 8 पद संख्या 22 से 25 में लिखा है कि आप लोग पवित्र आत्मा में विश्वास करें। पद संख्या 26 से 28 में संत पौलुस कहता है कि आप पवित्र आत्मा में रहकर प्रार्थना करें, क्योंकि हम नहीं जानते कि हमें किस तरह प्रार्थना करनी चाहिए। हम अपने हिसाब से स्तुति करते हैं, आराधना करते हैं, गीत गाते हैं, वचन बोलते हैं, लेकिन प्रार्थना करना पवित्र आत्मा सिखाता है।
जब हम प्रार्थना करते हैं, पवित्र आत्मा में रहते हैं, तो वो हमारे आंतरिक मनुष्य को दृढ़ता प्रदान करता है, वो हमारे आंतरिक मन को मजबूत करता है, वो हमारे आंतरिक मन को पवित्रता ही प्रदान करता है, वो हमारे आंतरिक मन को आशीष देता है, हमारे आंतरिक मन को प्रेम से भर देता है। और जब हमारे अंदर से वो भाव निकलते हैं प्यारे भाइयों और बहनों, तो उनसे परमेश्वर की महिमा होती है। हालेलुया, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु की आराधना हो, यीशु की महिमा हो, हे प्रभु यीशु, मैं विश्वास करता हूँ आप हमारे बीच में हाजिर हैं, आप हमारे बीच में हाजिर हैं, हे प्रभु यीशु, हमारे आध्यात्मिक जीवन को, हमारे आध्यात्मिक जीवन परिवर्तित कर दीजिए, परिवर्तित कर दीजिए। हालेलुया, हे प्रभु यीशु, आप बढ़ते जाएं, आप बढ़ते और मैं घटता जाऊं, और मैं घटता जाऊं। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो एक विश्वासी के जीवन में त्याग, पवित्रता, विश्वास, विनम्रता, इनका होना अत्यंत आवश्यक है। और एक मुख्य बात, इन सबको प्राप्त करने के लिए हम बस उसकी उपस्थिति में रहें। पेतरुस ने कहा, प्रभु हमारे लिए कितना अच्छा है यदि हम 3 तंबू यहाँ पर खड़ा कर दें और यहीं पर रहें। उसने उस आनंद को अनुभव किया, उसने उस प्रेम को अनुभव किया। जब यीशु रूपांतरित हो गए तो वह महिमा प्रकट हो रही थी, वो स्वर्ग राज्य का नजारा था, वो स्वर्ग राज्य का एक दृश्य था, आने वाली महिमा को यीशु ने प्रकट किया। और पेतरुस कह उठा कि यहां होना तो हमारे लिए बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। आज प्रभु से कहना कि प्रभु आपकी हजूरी में मैं सदा रहूं, मेरा घर आपकी उपस्थिति में सदा बना रहे, इस बात के लिए मैं आपसे प्रार्थना करता हूं। प्रभु तेरी महिमा मेरे बच्चों के जीवन में प्रकट हो जाए। आप में से बहुत सारे लोग इस वक्त प्रार्थना कर रहे होंगे जो शायद पीड़ित हैं, कष्ट में हैं, उलझे हुए हैं, तो प्रभु से प्रार्थना करना, वो आपको शांति देगा। आज का दिन और आज की ये संध्या वंदना, इसके लिए धन्यवाद देना। प्रभु हमारे जीवन में अपनी महिमा प्रकट करे। आइए हम प्रभु से प्रार्थना करें, पूरे दिन के लिए धन्यवादित हो जाएं और प्रभु से कहें कि प्रभु आप बढ़ते जाएं और मैं घटता जाऊं। प्रभु मुझे भी एकांत में बैठने का सामर्थ्य दीजिए, मुझे अपनी हजूरी में आने के लिए प्रेरणा दीजिए। आमीन। खुदावन तेरे छूने से बड़े बड़े काम होते हैं। खुदावन तेरे छूने से बड़े बड़े काम होते हैं। खुदावन तेरे छूने से बड़े बड़े काम होते हैं। खुदावन तेरे छूने से बड़े बड़े काम होते हैं। प्रभु के स्पर्श को अनुभव करते हुए एक साथ मिलकर कहें, खुदावन तेरे छूने से बड़े बड़े काम होते हैं। खुदावन तेरे छूने से बड़े बड़े काम होते हैं। खुदावन
तेरे छूने से बड़े बड़े काम होते हैं, उदाहरण तेरे छूने से बड़े बड़े काम होते हैं। तू ही है देता अब की शिफा, तू ही है देता अब की शिफा, तू ही है तू कर
वो झूले मुझको झूले, मुझको झूले तू झूले मुझको झूले, हालेलुया 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 यीशु के नाम से हालेलुया हालेलुया सारे बंधन खुल जाए हालेलुया हालेलुया छुटकारा मिले हालेलुया हालेलुया आजादी मिले हालेलुया हालेलुया भूखों को वाणी मिले हालेलुया हालेलुया पहरों को सुनने लगे मुर्दे जिंदा हो जाए लंगड़ों को पाँव मिले छुटकारा मिले रोगी चंगे हो जाए दुष्ट आत्माएं दूर हटे यीशु के नाम से 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 हालेलुया 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 छुटकारा चंगाई यीशु के नाम से बड़े बड़े चंगाइयां छुटकारा बुरी आदतों से छुटकारा Healings in Jesus' name. Hallelujah, 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 hallelujah. लंगड़ों को पांव मिले पहरे सुनने लगे रोगी चंगे हो दुष्ट आत्माएं दूर हटे मुर्दे जिंदा हो जाए बुरी आदतों से छुटकारा मिले हालेलुया 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 खुदावन तेरे छूने से बड़े बड़े काम होते हैं खुदावन तेरे छूने से बड़े बड़े काम होते हैं दोनों हाथों को सीने से लगाते हुए खुदावन तेरे छूने से बड़े बड़े काम होते हैं दोनों हाथों को सिर पे रख के खुदावन तेरे छूने से बड़े बड़े काम होते हैं शरीर के किसी भी अंग में कोई भी समस्या है रोग है बीमारी है अपने हाथों को वहां पर रखना महसूस करना कि प्रभु आपको स्पर्श कर रहे हैं और इस गीत को बोलते जाना खुदावन तेरे छूने से बड़े बड़े काम होते हैं खुदावन तेरे छूने से बड़े बड़े काम होते हैं जीवाए तू
प्रकार की शक्तियां यीशु के पवित्र सामर्थ्य नाम से आपको छोड़ें और क्रूस के नीचे जल के राख हो जाए। अंधेपन की दुष्ट आत्मा, आध्यात्मिक अंधकार, पाप, श्राप, बंधन, तंत्र मंत्र, जादू टोना, यीशु के पवित्र सामर्थ्य लहू के द्वारा, उसके पवित्र सामर्थ्य वचन के द्वारा जिसमें जीवन है, जो हमें आनंद देता है, जो हमें उद्धार देता है, जो हमें शिफा देता है, इस पवित्र सामर्थ्य वचन के द्वारा ये सारे बंधन टूटे और आप लोग आजाद हो जाएं। आमीन। यीशु के पवित्र सामर्थ्य नाम से विभिन्न प्रकार के बुखार की दुष्ट आत्माएं आपको छोड़ें और क्रूस के नीचे बंध जाएं। आमीन। यीशु के पवित्र सामर्थ्य नाम से आप लोग उद्धार पाएं। यीशु के पवित्र सामर्थ्य नाम से आपके जीवन में उन्नति आ जाए। आमीन। यीशु के पवित्र सामर्थ्य नाम से बेरोजगारी की दुष्ट आत्मा दूर हटे। आमीन। यीशु आपके लिए नौकरी के द्वार खोल दे। आमीन। आपको सारी शैतानी दुरात्मा शक्तियों के बंधनों से, शैतानी षड्यंत्रों से आजाद करे। आमीन। आपको एक दूसरे को सहन करने और क्षमा करने का वरदान प्रभु प्रदान करे। आमीन। यीशु के पवित्र सामर्थ्य नाम पर चंगे हो जाओ। आमीन। चंगे हो जाओ। आमीन। चंगे हो जाओ। आमीन। जो लकवे से पीड़ित हैं, इस वक्त बेड रिडन है, अपने घर की चारपाई पर पड़े हुए हैं, आपके टखनों में बल आ जाए। अगर आप विश्वास करेंगे तो ईश्वर की महिमा देखेंगे। यीशु ने अर्धांग रोगी से कहा, तेरे पाप क्षमा हुए हैं, उठ, अपनी खाट उठा और घर जा। 38 बरस से बीमार व्यक्ति जो कुंड के पास पड़ा रहता था, यीशु ने उस पर दया की और उसे चंगा कर दिया। सूखे हाथ वाले को जो भीड़ में खड़ा था, उससे कहा, बीच में खड़े हो जाओ, अपना हाथ बढ़ाओ, और उसका हाथ अच्छा हो गया। इसलिए जिस जिस जगह पर आपको कमी है, जहां पर आप कमजोर हैं, प्रभु को अधिकार दे दें। अपने घर पर, अपनी बेटी पर, अपने बेटे पर, अपनी संपत्ति पर, अपने दफ्तर पर, अपने कामकाज पर, अपने खेत खलिहान पर प्रभु को अधिकार दीजिए। आजाद हो जाइए, हर एक बुराई से अपने आप को आजाद करें। प्रभु कहता है, अपना आचरण सुधार लो और वो आप पर दया करेगा। आज अपने आप को पवित्र कर लीजिए, मन, विचारों से, आत्मा से, शारीरिक दृष्टि से, तो कल आपकी आंखों के सामने चमत्कार करेगा। प्यारे भाई, प्यारी बहन, इसलिए आज वो आपको परिवर्तित करना चाहता है, आपको ब्लेस करना चाहता है, उन्नति देना चाहता है। इसलिए वो हमारे बीच में है, वो आपको स्पर्श करने के लिए आया है, आपको अपना सानिध्य देने के लिए आया है। इसलिए उस प्रेम को महसूस करें, उसको अनुभव करें। खुदावन तेरे छूने से बड़े बड़े काम होते हैं। खुदावन तेरे छूने से बड़े बड़े काम होते हैं। याद कीजिए, एक रक्तस्राव पीड़ित स्त्री जो अनेका अनेक इलाज करने के बाद अपना सब पैसा समाप्त कर चुकी थी, उसने अपने मन में निश्चित किया और उसने दृढ़ संकल्प किया कि मैं उसके कपड़े का पल्ला छू लूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी। और प्यारे भाई, प्यारी बहन, उसका रक्त स्राव उसी क्षण सूख गया जब वो भीड़ को चीरते हुए उसने यीशु के कपड़े का पल्ला छू लिया, तो वो चंगी हो गई। प्रभु यीशु इस जगह से आपकी ओर देख रहे हैं। हम में से बहुत सारे लोग हैं जो आध्यात्मिक रूप से सूखे हुए हैं, जिनमें विश्वास की कमी है, जो अपनी बुद्धि पर भरोसा किए हुए बैठे हैं, जो नशे पर भरोसा किए हुए बैठे हैं कि वो उन्हें आनंद देगा, परंतु वो आपका जीवन नष्ट कर रहे हैं। प्रभु आपको इस बंधन से आजाद करना चाहता है, पवित्र लहू से ब्लेस करना चाहता है। उसका लहू जो शिफा देता है, हमें बचाता है, वो आपके ऊपर छिड़क देता है। इस वक्त प्रभु ने कहा कि मैं आग की दीवार बनकर तुम्हारे घर की रखवाली करूंगा, तुम्हारे घर की चार दीवारी निरंतर मेरी आंखों के सामने रहती है, विचलित ना हो जाना, दृढ़ बने रहो, ढारस रखो, मैं संसार के अंत तक तुम्हारे साथ हूं, क्योंकि मैंने संसार पर विजय पाई है, मैं जीवित हूं और तुम भी जीवित रहोगे। इसलिए प्यारे भाई, प्यारी बहन,
विश्वास करना और ईश्वर की महिमा देखेंगे। यह सुंदर समय है, एक्सपीरियंस द रियल डिवाइन प्रेजेंस इन योर फैमिली। अपने बच्चों के साथ मिलकर इस वक्त प्रार्थना करते जाएं, अंगीकार करते जाएं कि प्रभु आप सच्चे हैं, आप भले हैं, हम आपको धन्यवाद देते हैं। मेरे जीवन से ये परेशानियां, ये कष्ट, ये मुसीबत प्रभु दूर कीजिए, मैं आपकी आराधना करता हूँ। कैंसर जैसी दुष्ट बीमारियाँ, लाइलाज बीमारियाँ, लिकोरिया, मोतियाबिंद, रक्तस्राव और अनेक प्रकार के शारीरिक इन्फेक्शंस, खुजली की बीमारी, टीबी की बीमारी, ब्लड कैंसर की बीमारी, प्यारे भाइयों और बहनों, हीमोग्लोबिन की जो कमी है उसकी बीमारी, अनेक प्रकार के जो ज्वर हैं, बवासीर की बीमारी, भगंदर की बीमारी, अनेक प्रकार के छह रोग और शरीर में किसी प्रकार की टीबी है, प्यारे भाइयों और बहनों प्रभु को समर्पित करें, प्रभु को समर्पित करें। प्रभु चंगा करने वाला प्रभु है। यीशु ने इन रोगों से लोगों को आजाद किया। वो प्यारे भाइयों और बहनों आत्मिक और शारीरिक चंगाई दोनों हमें प्रदान करता है। आत्मा की प्रेरणा में चलें, हर एक प्रकार की बुराई को, सांसारिक बातों का दमन करें और वो आपको चंगाई प्रदान करेगा, क्योंकि वो दयावान है, वो चंगा करने वाला है, वो शिफा देने वाला है। उससे जुड़ जाना, खुदावन तेरे छूने से बड़े बड़े काम होते हैं। खुदावन तेरे छूने से बड़े बड़े काम होते हैं। कुछ लोग खुजली की बीमारी से पीड़ित हैं, प्रभु आपको चंगाई प्रदान कर रहे हैं। पवित्र जल से स्नान करना, पवित्र जल से स्नान करना और आपको प्रभु इस खुजली की बीमारी से आजाद करेगा। शरीर में जो भी किसी प्रकार का संक्रमण है, प्रायश्चित करके प्रभु से विनती करते जाना। कुछ लोग आंसू बहा बहा कर अपने परिवार के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। आंतरिक चोटों से जो घायल है, इस वक्त प्रभु आपको सांत्वना देता है, कहता है उपयुक्त और उचित समय आने पर मैं इन तमाम चीजों को तेरे जीवन में पूरा करूंगा। कुछ नौजवान युवक और युवतियां ज्ञान के वरदान के लिए, स्मरण शक्ति के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु आपने जैसा विश्वास किया है आपके जीवन में वैसा ही पूरा करें। बोलो आमेन, 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 आमेन। कुछ लोग निर्णय नहीं कर पा रहे हैं कि सेवकाई में जाएं या ना जाएं, पुरोहित बने या ना बने, धर्म बहन बन के सेवा करें या ना करें। समर्पित हो जाना, आप प्रभु के पास जाना और वो आपके पास आएगा। प्यारे भाई, प्यारी बहन, अपनी बुद्धि पर भरोसा मत करना, अपने ज्ञान पर भरोसा मत करना, अपने हृदय पर भरोसा मत करना, परंतु अपने हृदय, अपनी आत्मा, अपनी बुद्धि को प्रभु को समर्पित करना और प्रभु से प्रेम करना। वो आपको चलाएगा, वो आपको इस्तेमाल करेगा। खुदावन तेरे छूने से बड़े बड़े काम होते हैं। खुदावन तेरे छूने से बड़े बड़े काम होते हैं। आप में से बहुत सारे लोग चिंता में रहते हैं, विचलित रहते हैं, ईश्वर पर भरोसा करने में असमर्थ हैं। प्रभु कहता है, क्या मैंने तुमसे ये नहीं कहा कि यदि तुम विश्वास करोगे तो ईश्वर की महिमा देखोगे? प्रियजनों, याकूब कहता है, जो डाउट करते हैं, शक करते हैं, वो समुद्र की लहरों के जैसे हैं जिन्हें हवा छितरा देती है। इसलिए थॉमस से प्रभु यीशु ने कहा, थॉमस ये देखो मेरे हाथ, ये देखो मेरी बगल, आओ और अपनी उंगलियां मेरे छिदे हाथों में डालो, अपना हाथ मेरी बगल में डालो और विश्वास करो, विश्वासी बनो, अविश्वासी नहीं। तो जो लोग चिंता में हैं, प्रभु आपसे कह रहा है, चिंता करने से तुम में से कोई भी अपनी आयु का एक दिन भी कम नहीं कर सकता, बढ़ा नहीं सकता है। मैं तुम्हारी चिंता करता हूँ, मैं तुम्हें शांति प्रदान करूँगा। प्रभु पर भरोसा रखिए और विश्वास के साथ कहना, खुदावन तेरे छूने से बड़े बड़े काम होते हैं। खुदावन तेरे छूने से बड़े बड़े काम होते हैं।
खुदावन तेरे छूने से बड़े बड़े काम होते हैं। आप जितने भी लोग इस वक्त ऑनलाइन प्रार्थना में मेरे साथ एक हैं और जो अपने निवेदन इस वक्त चैट में भेज रहे हैं, मैं आप सभी को प्रभु की वेदी पर समर्पित करता हूं। प्रभु अपने दासों की वाणी को प्रमाणित करता है, सच प्रमाणित करता है और उन्हें पूरा करता है। मेरा विश्वास है कि हमने जो मांगा है वो और जो मांग रहे हैं प्रभु हमें प्रदान करेगा। हम विशेष रूप से सुरेश भाई के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु उनके शरीर में जो भी कष्ट है, परेशानी है, गले में समस्या है, प्रभु उससे उन्हें आज़ाद कर। दिनेश कुमार को हर कमज़ोरी से प्रभु आज़ाद कर। ग्रेसी को प्रभु सीए फाइनल की परीक्षाओं में सफलता मिल जाए। मार्गरेट क्रिकेटा को तंत्र मंत्र, जादू टोना और शैतानी बंधनों से आज़ादी मिले। लक्ष्मी के परिवार में प्रभु की आशीष आ जाए। सीमा कौर के परिवार से प्रभु हर प्रकार के दुष्ट आत्माओं का बंधन टूटे, लड़ाई झगड़े के बंधन टूटे। रमनदीप कौर को प्रभु उसकी शारीरिक चंगाई प्रदान कर। अपूर्व मिंज को बुद्धि विवेक ज्ञान की आशीष मिले। नरेंद्र जैन के परिवार से प्रभु आर्थिक तंगी का बंधन टूटे। राहुल को क्रोध की दुष्ट आत्मा से आज़ादी मिले। निर्मला को घुटनों के दर्द से छुटकारा मिले। राहुल ग्रोवर और उसके पूरे परिवार को प्रभु आशीष दे। हौसले के परिवार में प्रभु सुख शांति आ जाए। सुधीर गोखले को प्रभु अच्छा स्वास्थ्य मिले। एंटोन मकवान को प्रभु अच्छा स्वास्थ्य मिले। इसके लिए हम प्रार्थना करते हैं। सुन मेरी प्रार्थना कर दे, सुन कर याचना, सुन मेरी प्रार्थना कर दे, सुन कर याचना। प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं अन्नू की बहन लीना कुजूर के लिए। प्रभु उन्हें आशीष प्रदान कर। उनके जीवन में जो भी समस्या है, कष्ट है, परेशानी है, प्रभु उन पर तेरा आशीर्वाद उतरे और तेरी आशीष उनके जीवन में बनी रहे। एलन नोयल नाविदाद को प्रभु सभी कार्यों में सफलता मिले। प्रार्थना करते हैं संसिता को हर परेशानी से छुटकारा मिले। नेल्सन कैस्कर को प्रभु संपूर्ण चंगाई और शरीर का स्वास्थ्य प्रदान कर। उनके पूरे परिवार में तेरा आशीर्वाद बना रहे। नारायण परमार को सभी परेशानियों से आज़ादी मिले। रूफीना के परिवार में प्रभु तेरी आशीष सदा बनी रहे। उर्मिला मंडल को नौकरी की आशीष मिले। उर्मिला के परिवार में सुख शांति आ जाए। निधि के परिवार में सुख शांति एवं उन्हें अच्छा स्वास्थ्य मिले। सूरज राज और पॉलिना अपनी 15वीं मैरिज एनिवर्सरी मनाते हैं। प्रभु उन्हें तेरी आशीषों से भरपूर कर। ज्योति दास को हृदय दर्द से छुटकारा मिले। सोनू को बुखार से छुटकारा मिले। राधिका बरैया को प्रभु सुरक्षित वो वापस घर लौट आए। चंगाई के लिए प्रार्थना करते हैं ऑस्टिन के लिए, लियोनी सॉय के लिए, सोनू के लिए, रामदास के लिए, अंजला के लिए, मैरी पटेल के लिए, मार्गरेट सॉय के लिए, अगस्टीना खालको, विक्टर लवली, हन्ना लकरा, गुरमेज कौर, मंगल सिंह, आरती, कृपाल सिंह, प्रियंका, अमृता कुमारी, कोमल कुमारी, रमेश के लिए और जॉन थॉमसन के लिए। और आप में से जितने भी इस वक्त घरों में बीमार हैं, प्रभु आपको चंगाई प्रदान करे। लकवे के रोग से, घुटनों के दर्द से, शारीरिक बीमारियों से, हड्डियों की कमजोरियों से प्रभु आपको आज़ाद करे। हर प्रकार की दुविधाओं से, चिंताओं से प्रभु आपको आज़ाद करे, सामर्थ्य दे, अपने वचन से आपको चंगा करे। इसके लिए हम प्रार्थना करते हैं। सुन मेरी प्रार्थना मेरी प्रार्थना उत्तर दे।
अच्छे जीवन साथी के लिए हम प्रार्थना करते हैं, सीमा, रजनी, निक्की, संतान के वरदान के लिए प्रार्थना करते हैं, हीरा लाल मडावी के लिए, शोभा मडावी के लिए, रजीना और अजीत के लिए, नशे से छुटकारे के लिए फिलिप मिंज, अविनाश मिंज, सुखदीप, मिक्की, मोहित, पत्रस, सुमित, ललित सोरेन के लिए प्रभु इन्हें नशे की दुष्ट आत्मा से आजाद कर। सुशांत नायक को नौकरी की आशीष मिले। आशा अरोरा के सभी मनोरथ पूरे हो जाएं। क्लेरेंस खुशी को बुद्धि, विवेक, स्मरण शक्ति की आशीष मिले। प्रियतमा मिंज को प्रभु सभी मनोरथ पूरे हो जाएं। कुमुद के परिवार से प्रभु हर प्रकार के लड़ाई झगड़े के बंधन टूटे। प्रीति रानी को प्रभु यूके यूनिवर्सिटी से प्रभु लेटर, ऑफर लेटर मिल जाए और उनके लिए आशीष के दरवाजे खुलें। प्रार्थना करते हैं मंजुला के परिवार में जो भी परेशानियां हैं, जो भी बाधाएं हैं, दूर हों। मंजू को हर प्रकार के बंधनों से आज़ादी मिले। चंदना दास को संतान का वरदान मिले। आभा टोपो के परिवार वालों को प्रभु शांति और प्रेम मिले। धन्यवाद देते हैं प्रभु आपको। प्रार्थना करते हैं मनतेह को प्रभु अंधकार की शक्तियों से छुटकारा मिले। फिलिप को डेंगू की बीमारी से चंगाई मिले। सिस्टर स्टेला मिंज के सारे मतलब पूरे हों। सिस्टर सोफिया डुंगडुंग के सारे मतलब पूरे हों। इन तमाम बातों के लिए हम प्रभु से प्रार्थना करें। सुन मेरी प्रार्थना उत्तर दे, सुन कर याचना। 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 जितने भी लोग मेरे साथ प्रार्थना में एक हैं, घुटना टेकें, हाथों को ऊपर उठाएं, धन्यवाद देते जाएं, अपनी ज़रूरतों को प्रभु के सामने रखते जाएं। प्रभु आपको देख रहे हैं, वो हमारे हृदय को देखते हैं, वो हृदयों की थाह लेते हैं। मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा और प्रभु यीशु अपने इस दास की वाणी को प्रमाणित करें और आपको आशीषें प्रदान करें। दया करने वाले, चंगा करने वाले यीशु राजा, तूने अपनी महिमा रूपांतरण के द्वारा पेत्रुस, याकूब और योहन को प्रकट की। आज इस पवित्र आराधना के द्वारा अपने पवित्र वचनों से तेरे इन सभी भक्तों के लिए अपनी महिमा को प्रकट करने की कृपा कर। हे प्रभु, इस पवित्र संगति के दौरान, पवित्र आराधना के दौरान तेरे इन बेटे और बेटियों को अपनी महिमा के दर्शन कराइए। तेरा आत्मा इनके ऊपर अधिकार ले। जो भी इन्होंने मांगा इनके जीवन में पूरा हो जाए। तू पवित्र है, तेरा नाम पवित्र है। हे प्रभु यीशु, इनके घरों को भी पवित्र कर, इनके बच्चों को भी पवित्र कर, इनके दाम्पत्य जीवन को पवित्र कर। जो अनेक प्रकार के बंधनों में हैं, नशे और ड्रग्स से पीड़ित हैं, प्रभु इन पर दया कीजिए। शैतान के चंगुल से इन्हें बचाइए और इन बुराइयों से इन्हें आजाद करने की कृपा कर। तेरा वादा है, मेरा नाम लेकर जो कुछ भी मांगोगे मैं तुम्हें प्रदान करूंगा। जितने भी लोगों ने आंसू बहाते हुए आपसे प्रार्थना की निवेदन किया है, इनकी प्रार्थनाओं को सुनने की कृपा कर। प्रभु तेरा आत्मा इनके घरों पर अधिकार ले। मैं तेरा दास इस वक्त मूसा के जैसे इन हाथों को उठाता हूँ, प्रायश्चित करता हूँ तेरे इन बेटे और बेटियों के लिए। इनके चौखट, इनके बिछौनों, इनके आटा गूंदने की परात पर, इनके बच्चों पर, खेत कलियानों पर, इनके ऑफिसेस पर, इनके दफ्तरों पर प्रभु आशीष प्रदान कर, अधिकार लीजिए। जो नौकरी की तलाश में है, सारे बंधन खुल जाए। जो विदेश जाने की राह देख रहे हैं प्रभु, इनके लिए तेरी मन, इनके लिए तेरी आशीष इन पे बरसने दे। हे प्रभु यीशु, जो
प्रायश्चित कर रहे हैं इस वक्त उन्हें क्षमा कीजिए, जो बीमार हैं उन पर दया कीजिए, तेरा आत्मा इनके ऊपर अधिकार ले, जैसा इन्होंने विश्वास किया इनके जीवन में पूरा हो जाए। अधिकारियों के लिए, शासकों के लिए, प्रशासकों के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु इन पर दया कीजिए, जिससे ये तेरे रेवड़ की और देश की प्रजा की निस्वार्थ सेवा करने वाले बन सके। पुरोहितों, धर्म संगियों, धर्म बहनों को पवित्रता का और विश्वास का वरदान प्रदान कर, इनके जीवन पर दया कर, इनको अपनी महिमा और सेवकाई के लिए इस्तेमाल कर। हमारी प्रार्थना सुन ले हमारे उद्धारकर्ता यीशु प्रभु के द्वारा। आमीन। पवित्र पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा। विश्वास के साथ, पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा, सदा सर्वदा। जोरदार तालियां बजाएं, प्रभु को धन्यवाद दें। सभी आशीषों के लिए तालियां बजाते हुए प्रभु को धन्यवाद दें। सबको जय यीशु की। प्रभु आपको आशीष दे। आज का जो वचन आपने सुना है उसके द्वारा आपके जीवन में उत्साह और नई स्फूर्ति आ जाए। मेरी आपसे गुजारिश है कि जितने भी लोग आज पहली बार इस आराधना में भाग ले रहे थे, वचन सुन रहे थे, इस लिंक को आप मित्रों के साथ अवश्य साझा करें। अगर आप लोगों में से किसी ने बैंड फॉर जीसस यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया आप अवश्य सब्सक्राइब करें और इस लिंक को मित्रों के साथ अवश्य साझा करें। आपके प्रार्थनाएं, आपकी प्रार्थनाओं के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं और साथ ही साथ आप लोगों से निवेदन करता हूं कि आप लगातार
बैंड फॉर जीसस टीम के लिए प्रार्थना करते रहें, जिससे कि इसी उत्साह के साथ हम आप लोगों के साथ नित्य प्रतिदिन प्रभु की स्तुति महिमा और आराधना करने वाले बन सकें। जय यीशु, गुड नाइट, गॉड ब्लेस यू।